Good morning, students. Welcome to Environment class, Standard 4. We will continue our chapter 26, Defense Officer Wahida. Okay? Defense Officer Wahida कौन है? तो वो जम्मू एंड कश्मीर से belong करती है and first ऐसी person है जिसने navy join किया था. बहुत सारी struggle के बाद वो defense officer बनी थी नवल शेख के ऊपर. Okay? वो डॉक्टर थी, उसके पापा जो थे, उनके फादर जो थे, उनकी एक थिंकिंग थी कि उनकी जितनी तीनों बेटियां हैं वो तीनों कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़े और बने कुछ. ओके, तो वहीदा के फादर का थिंकिंग था कि उसकी एक बेटी डॉक्टर बने, एक बेटी टीचर एंड एक बेटी जो है वो पुलिस फोर्स ज्वाइन करे. तो सेम उन्हीं की तरह, उन्हीं की थिंकिंग के अकॉर्डिंग वहीदा जो है वो डॉक्टर है और वो डिफेंस ऑफिसर है नवल सिख में. ओके, एंड वहाँ पे वो एज अ डॉक्टर है. ओके, उनकी और एक बेटी है, उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी. तो जिस तरह की उनकी थिंकिंग थी उसी के अकॉर्डिंग, मतलब लाइफ में जो भी हमें करना है वो हम पहले से सोच के रखते हैं एंड देन उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करते जाएंगे. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम पॉसिबल हो ही जाता है. जो हमें जो भी करना है ना, वो पॉसिबल तब होता है जब हम उसी वे में जाएंगे. हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर वो हम कभी नहीं कर पाते. ओके, यहाँ पे वहीदा, इस चैप्टर में जो वहीदा का है, तो वहीदा एक फर्स्ट लेडी है जिसने परेड को कमांड किया था. ओके, तो ये भी एक बहुत ही प्राउड थिंग्स है कि हम परेड जो है वो हमें पता है कि 26 जनवरी एंड 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर, दिल्ली गेट के यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम जो प्लेसेस है वहाँ पे परेड किए जाते हैं, है ना, जो जहाँ पे फ्लैग होस्टिंग होता है. जैसे हमारे स्कूल में भी बड़े स्टैंडर्ड वाले बॉयज जो है वो परेड करते हैं, बट आपने अभी देखा नहीं है क्योंकि आप लोग को फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड को हम 26 जनवरी को आप लोगों को इन्विटेशन नहीं होता है, आप लोग नहीं आते हो क्योंकि आप छोटे हो. ओके, तो बड़े बच्चे हैं वो करते हैं परेड. तो परेड को कमांड करना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आप सोचो कि इतने सारे बॉयज हैं एंड उन सालों में से परेड को कमांड करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना, क्योंकि परेड को कमांड माइक नहीं लगाया हुआ होता है, विदाउट माइक उन लोगों को बोलना है एंड इतने जोर से बोलना है कि पीछे तक सारे जो भी सोल्जर से उनको सुनाई देना चाहिए एंड जो बाजू बाजू के लोग जो बैठे हुए हैं उन सबको भी सुनाई देना चाहिए, तभी वो कम्प्लीटली होगा. अदरवाइज सुनाई नहीं देगा तो वो लोग कमांड सुनेंगे नहीं, तो वो करेंगे रिएक्ट क्या करेंगे, है ना, क्योंकि वहाँ पे ये होता है बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कमांड्स होते हैं, जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट या फिर टर्न राइट टर्न लेफ्ट, इस तरह के डिफरेंट टाइप के कमांड्स होते हैं. तो अगर सुनाई नहीं देगा तो टर्न राइट की जगह आधे टर्न लेफ्ट चले जाएंगे राइट, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो यहाँ पे वहीदा का इंटरव्यू हुआ था एंड इंटरव्यू में जो क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे वो इस चैप्टर में है. तो हमारा थोड़ा सा इस चैप्टर का बाकी रह गया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, फिर हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. ओके, तो पेज नंबर 207 से हमारा बाकी था. तो अदर क्वेश्चन आगे पूछा जाता है वहीदा को, इज देयर अ हॉस्पिटल ऑन द शिप, क्या शिप के अंदर हॉस्पिटल होती है? तो वहीदा रिप्लाई करती है, फर्स्ट एड इज गिवन ऑन एवरी नंबर शिप, ईच शिप हैज वन डॉक्टर एंड टू और थ्री असिस्टेंट्स, नर्सरी मेडिसिन एंड सम इक्विपमेंट आर ऑल्सो अवेलेबल, ऑल दिस थिंग्स आर कैप्ट इन अ स्मॉल रूम. मतलब हॉस्पिटल नहीं होते, नवल शिप मतलब जो नेवी फोर्स जो होती है, आर्मी नेवी फोर्स जो होती है, इंडियन नेवी, तो उनकी शिप होती है. तो ऐसा नहीं कि वो रेस्टोरेंट में जो अदर शिप जो होती है उसमें क्या बहुत सारी चीज़ें होती है. आपने टीवी पे देखा होगा कि शिप जो होती है उसके अंदर स्विमिंग पूल भी होता है, रेस्टोरेंट होता है, रूम्स होते हैं, मतलब एकदम ही फैसिलिटी अवेलेबल, बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल होती है. तो ये वो वाली शिप नहीं है. ओके, ये जो है वो नेवी की शिप है, तो उसमें जितनी चीज़ें चाहिए उतना ही होता है, कोई आराम से रहने वो लोग नहीं जाते हैं वहाँ पर. तो यहाँ पे उन लोगों के लिए
बच्चों को कभी कुछ लग जाए तो उसके लिए थोड़े से डेटॉल एंड क्रीम एंड पट्टिया वट्टिया सारा रखा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी उस टाइप का है, तो जो कम जरूरी होती है उस टाइप की मेडिसिन इंस्ट्रूमेंट वो सारे उसमें रखे हुए एक छोटा सा रूम बनाया हुआ होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है गहिरा से, यू आर द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ पासिंग आउट परेड, यू मस्ट हैव वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर दिस। तो उनको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक पहली लेडी हो जिसने परेड को कमांड किया था, तो क्या आपने उसके लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया था। तो वही तो रिप्लाई करके, माई सीनियर्स गिव दिस अपॉर्चुनिटी टू मी आफ्टर सीइंग माई परफॉर्मेंस फॉर 3 ईयर्स, आई फेल्ट हैप्पी दैट दे हैड चूजन मी एंड शो फेथ इन मी। सो आई प्रैक्टिस वेरी सिंसियरली। मतलब वहीदा जो थी उसने नेवी फोर्स ज्वाइन की थी, तो उनका ये सारा 3 ईयर्स की उनकी प्रैक्टिस एंड वो सारी चीज़ें देख के वहाँ के जो सीनियर्स थे उन लोगों को लगा कि नहीं, ये लेडी है जो परेड को कमांड कर सकती है, तो उन्होंने उस पर फेथ मतलब ट्रस्ट किया। तो मैंने भी मतलब वहीदा रिप्लाई करे कि मैंने भी अपना 100% किया, मैंने भी बहुत ही हार्ड वर्क किया। नेक्स्ट क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, टेल अस समथिंग अबाउट द परेड, परेड के बारे में आप कुछ हमें बताएगी। इन अ परेड फॉर प्लेटून्स मार्च बिहाइंड द लीडर 36 कमांड हैव टू बी गिवन ड्यूरिंग द एंटायर परेड। तो प्लेटून्स क्या होता है, तो प्लेटून्स होता है स्मॉल ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, मतलब इन अ परेड फोर प्लेटून्स होता है, फोर छोटे छोटे ग्रुप होते हैं एंड वो ग्रुप में वो लोग चलते हैं और उनको उनका लीडर होता है, जो लीडर कौन थी, तो वहीदा थी, एंड टोटल 36 कमांड उनको बोलने होते हैं। दिस मस्ट बी गिवन इन अ वेरी लाउड वॉइस सो दैट इट इज हियर्ड टिल द रैंक, द वॉइस शुड ऑल्सो रीच द स्पेक्टेटर्स सिटिंग ऑन द अदर साइड्स ऑफ द ग्राउंड। स्पेक्टेटर्स दैट मीन्स दर्शक जो देखने आए हैं वो, तो इतना जोर से बोलना होता है लाउडली कि लास्ट में बैठा हुआ पर्सन भी सुनाई दे, जो परेड में चल रहे लास्ट लाइन वालों को भी सुनाई दे एंड आजू बाजू में जो स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक बैठे हुए हैं उनको भी सुनाई देना चाहिए, इतना लाउडली बोलना पड़ता है। क्वेश्चन आगे क्वेश्चन पूछते हैं, डिडंट यू फील नर्वस लीडिंग फॉर प्लेटून्स, तो प्लेटून्स मतलब मैंने आपको बता दिया ग्रुप ऑफ सोल्जर, ओके। तो उनको लीडिंग करने के टाइम क्या आप नर्वस फील कर रहे थे, वहीदा रिप्लाई करती आई वाज नॉट नर्वस बट वन हैज टू शूट 36 कमांड, वन हैज टू शाउट 36 कमांड्स, इफ यू फॉरगेट इवन वन द एंटायर परेड कैन गेट स्पॉइल्ड। मतलब नर्वस नहीं थी बट ये टेंशन था कि अगर मैं एक भी कमांड, टोटल 36 कमांड है उसमें से एक भी कमांड अगर मैं चूक गई या भूल गई तो पूरी जो परेड है वो स्पॉइल हो जाएगी मतलब खराब हो जाएगी। आई प्रैक्टिस्ड एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर अ मंथ, तो इसके लिए मैंने पूरा मंथ मॉर्निंग एंड इवनिंग में प्रैक्टिस की। आई हैव बीन पार्टिसिपेटिंग इन परेड सिंस स्कूल, तो वहीदा को वैसे एक्सपीरियंस था, उसने स्कूल में भी परेड में पार्टिसिपेट किया था तो उसको एक्सपीरियंस था, तो वो डर नहीं लग रहा था बट उसको जो 36 कमांड देने थे उसके लिए उसने पूरे 1 मंथ तक प्रैक्टिस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वहीदा से पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रिज्म इन योर नेम, तो वहीदा के नेम के पीछे प्रिज्म लिखा हुआ है, वहीदा प्रिज्म खान, जो मैंने पहले फर्स्ट पीरियड में मैंने आपको उनकी शॉर्ट नोट लिखाई थी, तो वहीदा प्रिज्म खान, तो प्रिज्म का मतलब क्या है, वहीदा नेम है, खान सरनेम है, तो प्रिज्म फादर का नाम नहीं हो सकता, उनके फादर का नाम था गुलजार खान, ओके। तो प्रिज्म क्या है, ओके, ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा जाता है, तो देन वहीदा रिप्लाई करके, माई फादर गेव दिस नेम टू मी, मेरे पापा ने मुझे ये नेम दिया हुआ है। प्रिज्म इज अ काइंड ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट्स 7 कलर, प्रिज्म क्या होता है, एक ग्लास होता है, वो क्यूबॉइड जैसा होता है, मैच बॉक्स होता है ना उस टाइप का होता है, मोटा सा ग्लास, ओके, पूरा ठीक, उसको आप
किया था क्योंकि वो प्रिज्म में से 7 कलर निकलते हैं. माय फादर वांटेड मी टू बी लाइक अ प्रिज्म एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड कॉलिंग मी बाय दिस नेम फ्रॉम माय चाइल्डहुड इटसेल्फ. मतलब मेरे वहीदा का क्या था कि वहीदा को पहले से ऐसे थिंकिंग थी कि मुझे समवन स्पेशल बनना है, मुझे कुछ सबसे अलग कुछ करना है. तो ये पेरेंट्स को पता चल जाता है कि हाँ मेरा बेटा क्या कर पाएगा एंड क्या नहीं कर पाएगा. तो वहीदा के फादर को भी पता चल गया था कि वहीदा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ आगे बढ़ने वाली है. उसको हर चीज़ में इंटरेस्ट था इसलिए उसके पापा ने उसको प्रिज्म नाम दिया था क्योंकि प्रिज्म में 7 कलर्स होते हैं. तो वहीदा ने भी अपनी जो फेमसनेस है वो बहुत सारी जगह पे फैलाई हुई. तो वो 7 कलर्स के जैसी थी, हर चीज़ में इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने उसको प्रिज्म नाम दिया था. अभी नीचे क्वेश्चन आंसर है ओके, तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में लिखेंगे. अभी हम फिलिंग द ब्लैंक्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपको आपके पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा देती हूँ. तो यहाँ पे देखो ये वहीदा प्रिज्मा खान की पिक्चर दी हुई है. फिर परेड के टाइम देखो किस तरह का यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे भी एक पिक्चर दी हुई है. तो ये परेड के टाइम की पिक्चर है कि किस तरह से कमांड करना होता है, तो वो सारा ओके. अभी हम फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो गया है. जब कोई सक्सेस होता है तो उनकी स्टोरी आती ही है पेपर में, उनके इंटरव्यूज आते हैं ओके. तो वो रीड करने चाहिए. ये रीड करने से क्या होता है कि हमें पता चलता है कि उन्होंने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की हुई है ओके. चलो हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक. फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, वहीदा ऑलवेज वांटेड टू बिकम, वहीदा ऑलवेज वांटेड टू बिकम, वहीदा ऑलवेज वांटेड टू बिकम समवन. तो क्या बनना चाहती थी, तो समवन स्पेशल, समवन स्पेशल ओके, समवन स्पेशल. नेक्स्ट क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स. दैट वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन, दैट वाज द फर्स्ट फर्स्ट वुमेन, first woman who sailed on a normal ship, who sailed on normal ship. तो यहाँ पे आंसर आप सबको पता ही क्या आएगा, वहीदा है ना. वहीदा एक फर्स्ट लेडी है. पहले क्या था कि नवल शिप जो होते, अभी भी नवल शिप जो होती है वो 3-4 महीने तक पानी में ही रहती है, घर जाने को मिलता नहीं है, है ना. तो ऐसी सिचुएशन में गर्ल्स को नवल शिप में एंट्री नहीं मिलती थी. बट जब गर्ल्स को जब पहले डिस्कशन चल रहा था तब वहीदा ने खुद अपना नाम दिया था कि मैं जाना चाहती हूँ शिप में, नवल शिप में. और उनका सिलेक्शन हुआ था एंड वो फर्स्ट लेडी थी जो नवल शिप में एज अ डिफेंस ऑफिसर एंट्री मिली थी उनको. उनसे पहले कोई भी लेडी नवल शिप के ऊपर नहीं गई थी ओके. तो दैट्स व्हाई वहीदा वाज द फर्स्ट वुमेन हु सेल, मतलब पानी के अंदर जो नवल शिप जाती है वो ऑन अ नवल शिप ओके. नेक्स्ट फोर नंबर, डैश इज अ काइंड ऑफ क्लास और डैश इज अ काइंड ऑफ ग्लास, ग्लास विच रिफ्लेक्ट सेवन कलर, विच रिफ्लेक्ट सेवन
द ब्लैंक्स लिखेंगे। पार्ट नंबर वहीदा बिलोंग्स टू ऑफ training after
given in a passing out parade. P-A-R-A-D-E, parade. 36 command have to be given in a passing out parade. Parade में total 36 command दिए जाते हैं. 8 number, Vahida D. जम्मू मेडिकल कॉलेज में उसने अपना MBBS कंप्लीट किया था. ओके, नेक्स्ट लिखते हैं. उसके बाद नाइन नंबर यहाँ पे ऊपर लिखते हैं. ओके, फिलिंदर लैंड से वहीदा प्रिज्मा इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर इन अ नेवी. वहीदा टूक डिफेंस ट्रेनिंग आफ्टर हर MBBS टू जॉइन द आर्म फोर्स. नेक्स्ट नाइन नंबर रिजोरी डिस्ट्रिक्ट. तो राजौरी जो था वो एक डिस्ट्रिक्ट था एंड राजौरी डिस्ट्रिक्ट में थाना मंडी विलेज में उनका बॉर्न हुआ था एंड वहां से वो बिलोंग करती है. फिर आफ्टर 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड तक वो वहां पे स्टडी की एंड देन उन लोगों को अपना विलेज छोड़ना पड़ा एंड वो था वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में रहने चले गए थे. ओके, तो मेन जो है उनका वो थाना मंडी विलेज है. ओके, अभी और एक क्वेश्चन है वो मैं आपको लिखा देती हूँ कि डिफेंस ऑफिसर क्या होता है. ओके, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है. Officer
मीन्स तो डिफेंस ऑफिसर क्या होता है? तो वो होते ऑफिसर आर द लीडर्स ऑफ द ऑफिसर आर द लीडर्स ऑफ लीडर्स ऑफ डिफेंस फोर्स डिफेंस फोर्स डिफेंस फोर्स दे आर द वंस हु दे आर द वंस हु दे आर द वंस हु कैन टेक कंट्रोल कैन टेक कंट्रोल कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन ऑफ अ सिचुएशन ओके तो डिफेंस ऑफिसर क्या होता है? तो डिफेंस आर द सॉरी ऑफिसर आर द लीडर ऑफ अ डिफेंस फोर्स वो ऑफिसर होते हैं डिफेंस फोर्स के दे आर द वंस हु कैन टेक कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन सिचुएशन को कंट्रोल करना क्योंकि एकदम जो टेररिस्ट होते हैं वो कॉल करके नहीं आते है ना टेररिस्ट होते हैं या कोई भी बैड पीपल है वो हमारी बॉर्डर के ऊपर या फिर नेवी जो है वो वाटर वाटर के थ्रू भी बहुत सारे क्योंकि बॉर्डर के ऊपर तो बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं तो वाटर जो वाटरी एरिया जो है ओशन जो है सीज जो है बहुत बड़े बड़े हैं तो उनकी सारी एरिया को कवर कर पाना इतना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना तो ऐसी सिचुएशन में वो लोग कहीं ना कहीं से हमारे एरिया के अंदर आ जाते हैं तो वो लोग कॉल करते तो आते नहीं एकदम से अटैक कर देते हैं तो अटैक कर देते तो वैसी सिचुएशन में उनको प्रॉपर डिसीजन लेना होता है सिचुएशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए उनको डिसीजन लेना होता है एंड वो सारा डिसीजन जो लेते हैं उसे कहते हैं डिफेंस ऑफिसर ओके तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे सो थैंक यू सो मच